व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज है 17th of April और आज का दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है वह ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर क्या है ये हीमोफीलिया? देखिए, आप लोगों ने नॉर्मली एक प्रॉब्लम देखी होगी, खासकर जिसका खून ये बोला जाता है थोड़ा पतला खून है। होता क्या, मान लीजिए आपका हाथ पैर कहीं से थोड़ा बहुत कट पट जाता है तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर उस ब्लड का थक्का नहीं जमता है, नॉर्मली क्या होता है जैसे हमारा कहीं से बॉडी का कोई पार्ट कटता है तो वहां पर जरा सी देर में खून सूख जाता है और वो थक्का बन जाता है, उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो निकलना बंद हो जाता है। पर लेकिन अगर किसी के खून में थक्का ही ना जमे तो क्या होगा, वो ब्लड निकलता रहेगा काफी लंबे समय तक और उससे कई सारे आप लोगों को चांसेस देखने को मिलेंगे। अगर कहीं से जरा सा कट पिट जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इंसान की डेथ होने तक चांसेस होते हैं, इतना ज्यादा खून निकलता रहता है, बॉडी में खून की कमी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो कोशिश ये रहती है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, जिसका खून थोड़ा पतला हो जाता है और थक्का जमने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम से सोसाइटी को अवेयरनेस कराया जाए। देखिए, नॉर्मली जो गांव के रहने वाले होते हैं ना, जिस तरीके से गुड़ वगैरह खाया जाता है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, या जो भी गांव की जो डाइट होती है उनको बहुत शानदार तरीके से उनका जो ब्लड आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बहुत गाढ़ा रहता है। पर लेकिन जो शहर में रहते हैं खासकर उनको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि डाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो चाहे आप गाँव में रहे चाहे शहर में रहे, अगर अपनी डाइट थोड़ी मेंटेन रखें ना तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अप्रैल 17, 2018 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है 28th वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ठीक है, तो हल्का सा आप लोगों इसके बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, इसका फोकस रहता है किस तरीके से इन नॉलेज शेयर की जाए और सोसाइटी में पता चला जाए इसके बारे में कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, और एक्सपीरियंस और नॉलेज के शेयर करके एक दूसरे के साथ में अवेयरनेस फैलाई जाए जिससे कि ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सके इसका, और ये बीमारी अगर किसी को है तो उसकी जान बचाई जा सके। तो एक तरीके से डे का मतलब यही होता है कि किस तरीके से हम लोगों को अवेयरनेस फैलानी है। तो ये आप लोगों के सामने है, कहां से फंड इकट्ठा करना है ये सब चीजों को भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्योंकि कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो सकता है, अगर अवेयरनेस के लिए कोई कंपेन भी चलाना है वहां पर भी पैसा चाहिएगा, एडवर्टीजमेंट करना है वहां पर भी पैसा चाहिएगा। तो थोड़ा फंड के बारे में बात की जाती है यहां पर। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WFH को एस्टेब्लिश किया गया था 1963 में, और हेडक्वार्टर है यहाँ पर मॉन्ट्रियल, यह है मॉन्ट्रियल कनाडा में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। हल्का सा आप लोगों इसके बारे में भी पता होना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोगों का आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए, मैंने कल आप लोगों के कई सारे मतलब आप लोगों के कमेंट पढ़े नीचे जाके कमेंट बॉक्स में, तो मुझे देखने को मिला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि कईयों के तो जीरो मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि 4-5 के बीच में ही घूम जा रहे हैं, और मैक्सिमम जो मार्क्स मुझे देखने को मिले वो 9 देखने को मिले, ये 3-4 स्टूडेंट्स के मुझे 9 देखने को मिले। तो देखिए, किसी के मार्क्स देखकर फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअसली अगर आप लोग लगे रहेंगे ना तो आप लोगों को एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़िए, आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी है अगर आप लोग ट्रस्ट करते हैं अपने ऊपर और मेरे ऊपर। तो आप लोगों को ये कंटिन्यूअस करना है, इंजॉय करना है अच्छे से लेक्चर को, और कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और इससे आप लोग का देखिए परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और आप लोग अच्छे से चीजों को अचीव भी कर पाएंगे। ठीक है, डेली 5 बजे फिक्स कर दिया गया टाइम आप लोगों का शाम को, तो डेली इसको एंजॉय कीजिए नैनो मैगजीन देखने के बाद में, तो आप लोग काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर डायरेक्ट देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम और ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, नैनो मैगजीन देखकर जाएंगे तो आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। अभी आप लोगों को पता है दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2017 का, ये विनोद खन्ना जी को दिया गया है, 2018 में मिला है पर लेकिन 2017 का है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड की अगर बात की जाए तो ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अगर कोई देता है, मतलब बहुत शानदार तरीके से अगर इंडियन फिल्म सिनेमा को डेवलप करने में, उसकी ग्रोथ करने में, जो यहाँ पर उसको इंपॉर्टेंट रहता है जिस ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, तो उनको ये दिया जाता है, मतलब जो भी इंडियन सिनेमा में अच्छे से कंट्रीब्यूशन देता है ये आप लोग बोल सकते हैं। ये फाल्के के जो अवार्ड है अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, टोटल आज तक 49 अवार्ड दिए जा चुके हैं, मतलब जो विनोद खन्ना जी को मिला है ये 49th अवार्ड है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और फर्स्ट टाइम जो अवार्ड दिया गया था ये 1969 में दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम अवार्ड 1969 में दिया गया था, और ये था देविका रानी जी को ये अवार्ड दिया गया था, और ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके जो अवार्ड सेरेमनी आप लोगों को देखने को मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आती है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इसके मिनिस्टर कौन है, मैंने आप लोगों को बताया था मिनिस्टर, आप लोग थोड़ा याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहते हैं, कम से कम अपनी कंट्री के मिनिस्टर आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। तो इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए जो अवार्ड के लिए जो यहाँ पर पर्सन चुने जाते हैं, तो यहाँ पर एक पूरा कमेटी रहती है, पूरा कलेक्टिव डिसीजन लेता है कि किसको अवार्ड देना है। तो इस बार की जो यहाँ पर चेयर की जा रही थी ये पूरी कमेटी, यहाँ पर थे शेखर कपूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो शेखर कपूर जी थे यहाँ पर जो इसको चेयर कर रहे थे, और 65वां नेशनल फिल्म
फिल्म अवार्ड जूरी था ये, ठीक है, अवार्ड दिए गए 49th पर, लेकिन 65वां अवार्ड फिल्म जूरी था। तो विनोद खन्ना जी को दिया गया, बहुत सारी मूवी आप लोगों ने इनकी देखी होगी, मेरे अपने, इंसाफ, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, तो कुर्बानी, मेरा गांव मेरा देश, चांदनी, ये द बर्निंग ट्रेन, अमर अकबर एंथनी, तो ये सारी मूवी आप लोगों ने देखी होगी। ओके, तो कुछ मूवी के नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे ये, लोकसभा के मेंबर थे ये, थे गुरदासपुर से, ठीक है, पंजाब में कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। देख लेते हैं 2015 का दिया गया था, ये दिया गया था मनोज कुमार जी को। 2016 का जो दिया गया था, देखिए यहाँ पर साइड में ये भी लिखा रहता है कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, यहाँ पर तेलुगु में दिया गया है, ठीक है, ये आज हल्का सा आइडिया आप लोगों को ये भी रखना है। तो 16 वाला था यहाँ पर काशीनाथ विश्वनाथ, और यहाँ पर ये अभी जो लेटेस्ट दिया गया है ये विनोद खन्ना जी को दिया गया, जो कि 49वां अवार्ड है, और 56वां ये यहाँ पर फिल्म जो अब की बार को जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर अब की बार की जो फिल्म जूरी है, ठीक है ना, मतलब 56वीं ये क्या है, नेशनल फिल्म अवार्ड जूरी। ओके, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा फिल्म की और अवार्ड की बात करें तो एक और देख लेते हैं, यहाँ पर धर्मेंद्र जी को मिला है यहाँ पर राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये देखने को मिलेगा। और फिल्म जो यहाँ पर जो फिल्मकार है यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी, इनको मिला है यहाँ पर राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इनकी बहुत सारी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, मुन्ना भाई MBBS हो गया, 3 Idiots हो गई, वन ऑफ द बेस्ट मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी, PK भी काफी अच्छी मूवी है, ये भी शानदार मूवी है, तो ये इन्हीं के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी है, ठीक है। तो हल्का सा ये भी इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। बात अवार्ड की चल रही है तो थोड़ा और फोकस डाल लेते हैं। अभी आप लोगों को बताया कॉमनवेल्थ गेम अभी कंप्लीट हुए हैं, तो इनमें जो इंडिया की पोजीशन रही है, थर्ड पोजीशन रही है, टोटल 26 मेडल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, गोल्ड ये 20 मेडल, सिल्वर और ये है ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 66 मेडल है, और थर्ड यहां पर हाईएस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, अब तक का ये थर्ड सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा मेडल आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2010 में मिले थे, ठीक है, 2010 में सबसे ज्यादा मेडल हमारी कंट्री में दिए गए थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम उस टाइम पर हमारी ही कंट्री में हो रहे थे, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ये देखिए ये है यहाँ पर आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर 2010 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉमनवेल्थ गेम में 101 हमारे मेडल थे, मैनचेस्टर में जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा इंग्लैंड में, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 69 मेडल थे, और गोल्ड कोस्ट जो कि अभी हुए हैं 66 मेडल है, ये आप लोगों के सामने 38, 30 और 26 टोटल यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये सारे मेडल भी आप लोग मिला सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे सबसे ज्यादा मेडल रहे हैं कॉमनवेल्थ में 2010 में, जो मैनचेस्टर में 2002 में जो हुए थे, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 69 और यहाँ पर 66 मेडल रहे हैं। ये स्टेट वाइज आप लोगों को दे रखे हैं, यहाँ पर सबसे टॉप पर जो रहा है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हरियाणा, जिसके पास में 22 मेडल है। आप लोगों का स्टेट कौन सा है आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं, और कम से कम अपने स्टेट के मेडल आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना तो आइडिया आप लोगों को होना ही होना चाहिए। बाकी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर किस किस को कितने कितने मेडल यहाँ पर मिले हैं, बॉक्सिंग में 9 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वेट लिफ्टिंग में 9 और यहाँ पर टेबल टेनिस में 8 देखने को मिलेंगे, और बैडमिंटन में 6। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वाले एरिया, 4 एरिया आप लोग कम से कम याद जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को पता है हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ इसी के बारे में है। तो नाइट्रोजन, एक बात आप लोगों को और पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में पाई तो जाती है, पर कितनी कितनी पाई जाती है, तो ये क्वांटिटी भी आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो हमारा एटमोस्फेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो नाइट्रोजन है वो 78% यहाँ पर नाइट्रोजन पाई जाती है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखने को मिलेगी 21%, ठीक है ना, यहाँ पर है 20.95%, तो लगभग 21% के करीब हो जाती है। आर्गन देखने को मिलेगी आप लोगों के सामने, यहाँ पर जिनोन आप लोगों के सामने, नियोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्रिप्टोन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए कितनी कम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रहती है, तो इसी की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो आज का जो आर्टिकल है हमारा बेस है वो है यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन आप लोगों को पता भी है, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये एक मटर कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, जिससे कि पेड़ पौधे उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि नेचर में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको डायरेक्ट ये पेड़ पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उसको कन्वर्ट किया जाता है, उससे फिर अपने ये फूड के तौर पर उसको लेते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि नया सोर्स मिल गया है ग्लोबल नाइट्रोजन का, ये क्या है, ये है वेदरिंग ऑफ द प्लैनेट बेडरॉक, जहाँ पर बेडरॉक होती है, जहाँ पर चट्टानें होती हैं, उनकी वेदरिंग का मतलब होता है टूटना, एक तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये वेदरिंग हो रही है, यहाँ पर चट्टानें टूट जा रही हैं, ये ऐसी चट्टानें आप लोगों को देखने को मिलेगा बारिश की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या फिर जो टेम्परेचर की वजह से, बारिश की वजह से, या फिर कोई भी और भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से ये ऊपर की परत उतरती चली जाती है, ठीक है ना, पत्थर भी छोटे होते चले जाते हैं। और तो और आप लोग ले लीजिए बड़े बड़े जो पत्थर हैं आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं, जैसे राजस्थान में आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा,
ये देखिए राजस्थान में ये है अरावली रेंज, बहुत बड़ी हुआ करती थी ये, पर लेकिन जैसे जैसे हजारों सालों तक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये फिनोमिनन चलते रहते हैं और जिसकी वजह से ये घटती रहती है इनकी हाइट, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो जो आज है वो कल कुछ ना कुछ उसकी कंडीशन आप लोगों को चेंज देखने को ही मिलेगी। तो जो वेदरिंग का फिनोमिनन होता है, इस वेदरिंग के फिनोमिनन होता है इसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कितनी 1/4 लगभग नाइट्रोजन यहाँ पर इससे निकल रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इतनी ज्यादा नाइट्रोजन यहाँ पर इससे निकल रही है, तो ये अलग से सोर्स यहाँ पर माना जा रहा है नाइट्रोजन का। और इससे क्या पता चलेगा, देखिए अगर फ्यूचर में हम लोग को ये स्टडी करते हैं अपने एनवायरनमेंट के बारे में या किसी भी एरिया में, तो अगर हमको पता होगा कि आधे से ज्यादा नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है, 1/4 नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है, हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, हमारे आसपास में जो भी एटमोसफेयर में क्या क्या अवेलेबल है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने न्यूट्रिशन है, कितना आप लोगों को न्यूट्रिएंट देखने को मिलेंगे, या फिर सोइल का लेवल क्या है, तो अलग अलग चीजें अगर हम लोगों को पता होगा तो हम लोग ढंग से स्टडी कर पाएंगे उसके बारे में और अलग से उसी तरीके से अपने प्लान तैयार कर पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने प्लान प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टडी करने में बहुत फायदा मिलेगा। तो ज्योग्राफी में वेदरिंग फिनोमिनन आप लोगों ने पढ़े होंगे ये, तो उसी के बारे में आप लोग देख सकते हैं, यहां पर हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि यहां से भी नाइट्रोजन आती है जो कि हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल होती है, ओके। तो ये अभी नई स्टडी थी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रांसजेंडर के बारे में। आप लोगों को एक यहाँ पर केस याद रखना है जिसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन था जो कि 2014 में आया अप्रैल में, और इस डिसीजन के बाद में जो ट्रांसजेंडर होते हैं जिनको किन्नर या फिर हिजरा भी बोला जाता है, इनको सोसाइटी में थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करने की बात की गई। एक आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं ना, आप लोग को एक मेल देखने को मिलता है, दूसरा फीमेल देखने को मिलता है, तो यहां पर ये बोला गया मेल फीमेल के साथ में थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर भी होना चाहिए, तो ये बात बोली गई। और इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर बिल भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, देखिए कब तक लेकर आते हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन अभी देखने को मिलेगा ट्रांसजेंडर को यहां पर रिकॉग्नाइज कर दिया गया है किसके अंदर, पैन कार्ड के अंदर। जो आप लोगों को देखने को मिलेगा हर इंसान के पास में पैन कार्ड होता है जिसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है बैंकिंग में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये अंदर में किसके आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो सीबीडीटी के अंदर में आते हैं, तो इसने यहां पर अभी देखने को मिलेगा इसके अंदर भी कैटेगरी डाल दी है ताकि ट्रांसजेंडर भी यहां पर देखने को मिलेंगे, आप लोगों को एक जेंडर के तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल फीमेल के अलावा यहां पर इंडिपेंडेंट जेंडर अब ट्रांसजेंडर आप लोगों को पैन कार्ड में देखने को मिलने वाला है, कहने का मतलब ये है। और पैन कार्ड का मैंने आप लोगों को बताया थी, यहां पर आप लोगों को हल्का सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए कि ये 10 डिजिट यहां पर नंबर होता है जहां पर अभी आप लोगों को मेल फीमेल देखने को मिलता था, अब यहां पर ट्रांसजेंडर देखने को मिलेगा, तो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, दोनों मिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कुछ वर्ड्स होते हैं यहां पर और कुछ एबीसीडी करके होता है, तो पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा इंडिविजुअल की एंटिटी यहां पर इसे क्लैरिफाई की जाती है, हर एक इंसान के पास में एक ही पैन कार्ड होता है, ठीक है। चाहे आप लोग कितने भी बैंक में अकाउंट खुला लीजिए पर आप लोगों का पैन कार्ड एक ही रहेगा और हर एक अकाउंट में आप लोगों का वो पैन कार्ड कनेक्ट रहेगा। इससे क्या होता है, अगर कल को टैक्स पे करना है तो फिर उस पैन कार्ड के बेस पर टैक्स किया जाता है, क्योंकि उस पैन नंबर पर आप लोगों के सारे अकाउंट कनेक्ट है, तो आप लोगों के हर एक अकाउंट में कितना पैसा है तो उसके बेस पर यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है और सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आज के डेट में सेंट्रलाइज सिस्टम है बैंकिंग का, अगर आप लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना टैक्स चोरी की है। तो कोशिश क्या करनी है, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो अपना टैक्स चोरी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को झेलनी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह, टैक्स तो पे करना अच्छी बात है अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ही वो हमारा पैसा यूज होता है, कहीं बेकार नहीं जाता है, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है ये, तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए, केस जरूर याद रखिएगा जो मैंने आप लोगों को बताया, ये नालसा जिसको बोला जाता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में डिसीजन आया था, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था अभी आप लोगों को देखने को मिला 2018 का 10th डिफेंस एक्सपो। तो ये आप लोगों को देखने को मिला, कहां पर हुआ था, ये हुआ था तमिलनाडु में, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हल्का सा आप लोगों का आइडिया होना चाहिए। इनोग्रेट किया गया था यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और डिफेंस का फोकस यही रहता है कि हम लोग अपना दिखा सके कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या क्या ब्रांड है और हम इनमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सके, अपना खुद का मेक इन इंडिया बना सके हम लोग आगे चल के, ताकि जो बाहर की कंट्री पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम लोग डिफेंस के इक्विपमेंट, आप लोगों को पता होगा, मैंने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जिसमें बताया था इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है डिफेंस के जो इक्विपमेंट है, इंडिया टॉप पर है वर्ल्ड में, हम लोगों ने ये देखा था। और सबसे ज्यादा कहां से इंपोर्ट करता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, रशिया से इंपोर्ट करता है सबसे ज्यादा रशिया से इंपोर्ट करता है, दूसरे नंबर पे यूएसए से इंपोर्ट करता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेचता कौन है, सबसे ज्यादा बेचता वर्ल्ड में है, हमको नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को, यूएसए बेचता है और दूसरे नंबर पे रशिया बेचता है। तो काफी बड़ी आप लोग बोलते हैं डिफेंस की इंडस्ट्री है जिनसे काफी कुछ ये रेवेन्यू अपना जनरेट करते हैं। देखिए आप लोगों को एक बात देखने को मिलेगी, सीरिया में घमासान चल रहा है, कभी किसी एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम जुड़ी रहती है, तो जो जितने बड़े बड़े डिफेंस के सेक्टर है ना इनको बहुत फायदा होता है, तो ये चाहते ही नहीं है कहीं पर इस तरीके से सीरिया जैसे एरिया में कोई यहां पर जो लड़ाई है वो बंद हो जाए, क्योंकि इनसे
इनकी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। तो ये रिवेन्यू मॉडल है इनके लिए कि जल की प्रॉब्लम क्रिएट करो और वहां पर फिर इक्विपमेंट यूज हो गए तो आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने का तरीका है डेवलप्ड इकोनॉमी के द्वारा, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम अगर अपनी कंट्री फोकस देकर चलेंगे तो हमारी कंट्री के जो प्राइवेट या पब्लिक मिलकर काम करेंगे तो अपनी ही कंट्री में हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं कि हमारे ही कंट्री में हम खुद डेवलप कर सके मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है, तो 10th डिफेंस एक्सपो के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, तमिलनाडु प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहां पर इनोग्रेट किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, तो जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, पर लेकिन ये प्रोविजन ऐसा नहीं है कि जम्मू और कश्मीर पे भी हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर लेकिन जम्मू और कश्मीर में भी इंप्लीमेंट कर दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ी इंडस्ट्रीज को, अलग अलग एरिया में जो छोटे छोटे लघु उद्योग है उनको भी। तो यहां पर अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो जम्मू और कश्मीर बैंक के द्वारा एड ऑन वर्किंग कैपिटल जीएसटी के रूप में एक स्कीम चलाई जा रही है कि अगर कोई यहां पर स्टेट का कोई भी डिपार्टमेंट, स्टेट का कोई भी इस तरीके से इंडस्ट्री है या कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उनको रिलीफ दिया जाएगा अंदर जीएसटी के तहत। ठीक है, तो टैक्स का रिलीफ दिया जाएगा ताकि उनको प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो ये यहां पर स्टार्ट की गई स्कीम, लॉन्च की गई जम्मू एंड कश्मीर बैंक के द्वारा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ करेगा ये बिजनेस का जो एरिया है वहां पर, जो भी कोई लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मतलब मनी नहीं है उनके पास में तो उसकी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, गुड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये एड ऑन वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल एड की जाएगी वहां पर अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है यहां पर ट्रेड और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, इनहेंस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम के अंदर। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, हेडक्वार्टर श्रीनगर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। परवेज अहमद आज की डेट में सीईओ है, जो फाउंड किया गया था यह आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी पुराना है 1938 में। ओन किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जिसके 53% आप लोग यहां पर शेयर देखने को मिलेंगे। ओके, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, बात नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, तो 11th की जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है ये होने वाली है मॉरिशस में, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, तो वहां पर ये होने वाली है। ठीक है, 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 की बात की जा रही है। तो देखिए कितने पहले आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आ गई, तब से तब तक तो 2-3 बार रिविजन भी हम लोगों का हो जाएगा। लोकेशन देख सकते हैं, ये हो गया हमारा प्यारा भारत और यहां पर है मॉरिशस। ठीक है, ये वाला देखने को मिलेगा, ये हो गया मेडागास्कर जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास से पड़ता है, हल्का सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ये इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहां पर यहां पर गोल्ड कोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर हमारे कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे। ओके, तो यहां पर बात की जा रही है, यहां पर होने वाली है ये 11th जो हिंदी कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो जो 11th जो हिंदी आप लोगों को देखने को मिलेगी ये कॉन्फ्रेंस है, तो यहां पर मॉरिशस में होने वाली है पोर्ट लुइस में। इस बार की जो थीम रहने वाली है ये है वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति, ये थीम है, और मैक्सिमम उन एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर हिंदी स्पीकिंग लोग रहते हैं, तो मॉरिशस में भी हिंदी स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कॉन्फ्रेंस जो है, जहां पर हिंदी स्कॉलर जो हिंदी के राइटर हैं या हिंदी के लॉरेट हैं, ये सब मिलकर अलग अलग पार्ट के कंट्रीब्यूशन कर सके हिंदी को एक वर्ल्ड लेवल की लैंग्वेज बनाने में। आप लोगों को देखने को मिलेगा इंग्लिश एक वर्ल्ड लेवल की लैंग्वेज है, इसी तरीके से कई सारी ऐसी लैंग्वेज है जो यूएन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन है उसको भी यहां पर हिंदी को रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है, वहां पर उसको यूएन में इसको यूज किया जाए, तो इसलिए भी यहां पर फोकस दिया जाता है कि हिंदी को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है एसोसिएशन विद किसके साथ में, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस। ठीक है, तो इन्वायरमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री है हमारी, तो क्या थीम है यहाँ पर, कौन से नंबर का ये फेस्टिवल है, ठीक है, तो कौन से नंबर का कॉन्फ्रेंस है सॉरी। तो इस तरीके से आप लोगों से पूछे तो आइडिया होना चाहिए। तो विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये देखिए आप लोग, ये 11 लिखा हुआ है कितने शानदार तरीके से, आप लोगों को पता है हिंदी में ऐसे लिखते हैं 1, ठीक है, 3 ऐसे लिखते हैं, 2 तो नॉर्मल ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 4 आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 5 ऐसे लिखते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदी के जो वर्ड होते हैं, 6 आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, तो ये कम से कम आप लोगों को इनके बारे में, वर्ड के बारे में ये पता होना चाहिए कि हम इनको लिखते कैसे हैं। तो ये 11 लिखा हुआ है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है इस तरीके के इंजन की, आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकोमोटिव इंजन है ये, यहां पर पूरी ट्रेन को खींचने का काम करते हैं। तो इन्हीं के बारे में बात की जा रही है, इंडिया ने अभी यहां पर इस पर वर्क कर रहा था काफी लंबे समय से, इंडिया ने फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लॉन्च करने की बात चल रही है, लॉन्च किए जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, ठीक है ना, कहां पर ये एरिया आप लोग याद रखते हैं, ये है बिहार में,
एरिया का नाम याद रख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो बिहार में माधवपुरा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां से इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मोटर लोकोमोटिव, देखिए इलेक्ट्रिक है ये, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहां पर फ्लैग ऑफ किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आने वाले टाइम में ये बात बोली जा रही है कि और ज्यादा लेवल पर वर्क कराने वाले हैं। तो 12,000 हॉर्स पावर का यहां पर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि स्पीड रहेगी लगभग 110 किलोमीटर पर आवर, तो काफी अच्छी स्पीड पे ये चलने वाले हैं। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहां पर ये फोकस किया जा रहा है, आगे आने वाले टाइम पे हम और ज्यादा वर्क करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर, किसके साथ में कोलैबोरेट करके हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं, तो ये है फ्रांस के साथ में हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं मिलके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आगे और कितना हम लोग वर्क करने वाले हैं यहां पर, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है आने वाले टाइम में 800 लगभग इस तरीके के हम ट्रेन के जो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे यहां पर आने वाले लगभग 11 सालों के अंदर, ठीक है। और 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसमें से 1300 करोड़ रुपए यहां पर रहने वाले हैं मथुरा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर माधवपुरा में, या फिर इसके अलावा कोई एरिया में, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहां पर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र में, अलग अलग एरिया में यहां पर डेवलपमेंट की फैक्ट्री लगाएंगे, जिसके बेस पर मेंटेनेंस या फिर और भी कई सारे प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट किए जाएंगे। लोकोमोटिव एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 25 करोड़ रुपए का यहां पर एवरेज लगाया जा रहा है, ईच लोकोमोटिव यहां पर बनकर सामने आएगा, ठीक है। तो 25 करोड़ रुपए का एक बनकर आएगा, टोटल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कितना है, 800 बनाने की बात की जा रही है। तो सीधा सीधा कितना हो गया, 25 + 200 हो गया, तो सीधा आप लोग देख सकते हैं यहां पर 20,000 करोड़ सीधा सीधा निकल के आ जाता है यहां से। बाकी देखिए और भी आने वाले टाइम में और भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, अभी तो फिलहाल यही बात की जा रही है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रांस के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं यहां पर। और इसी के साथ में इंडिया यहां पर लिस्ट में आ जाएगा रसिया, चाइना, जर्मनी, स्वीडन, जो ये इस तरह की कंट्री है जहां पर 12,000 हॉर्स पावर के जो इलेक्ट्रिक इंजन लोकोमोटिव यहां पर काम करते हैं, उनकी कैटेगरी में हम लोग यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इस तरीके के इंजन अब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि शानदार स्पीड पर हमारी ट्रेन को खींचते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी यहां पर विजिट करते हैं किस किस कंट्री की, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंट्री का नाम एक तो हो गया यहां पर स्वाजीलैंड, दूसरा हो गया इक्वेटोरियल गुनिया, और तीसरा हो गया ये हो गया जाम्बिया, ठीक है। तो इनकी विजिट पर थे और $1 मिलियन यहां पर स्वाजीलैंड के लिए यहां पर हम लोगों ने डोनेट किया है। किसके लिए यहां पर आप लोगों को सपोर्ट देने की बात करिए, डोनेट किया गया किसके लिए, अगर वहां पर कोई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको दिया जा रहा है, अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट कोई डिजास्टर आता है उसका मैनेज किया जा सके। ये अफ्रीका आप लोगों को देखने को मिलेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका हो गया, और यहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर जो आता है ये हो गया स्वाजीलैंड, ठीक है ना, ये लुसुथो आता है या स्वाइस के अंडर ही आता है, तो स्वाजीलैंड है, स्विट्जरलैंड नहीं है, कंफ्यूजन कई बार आप लोगों को हो जाता है। तो इंडियन प्रेसिडेंट ये रामनाथ कोविंद जी जो थे हमारे, तो ये अभी विजिट पर थे, ये इक्वेटोरियल गुनिया और ये जाम्बिया, और देख लीजिए इनका भी आप लोगों का आइडिया पता होना चाहिए। ये यहां पर देखिए, ये अफ्रीका में बात हो गया, यहां पर हो गया जाम्बिया, ये हो गया स्वाजीलैंड, और यहां पर ये अगर मैप में देखना हो तो ये हो गया इक्वेटोरियल गुनिया। थोड़ा सा जूम करके अगर आप लोग इसको देखेंगे तो यहां पर पिक्चर आप लोगों के सामने नजर आएगी निकल के, ठीक है ना। तो गल्फ ऑफ गुनिया भी यहां पर इसी के नाम पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा मैप अगर आप लोग देखकर चलेंगे तो कई सारी चीजें आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो ये तीन कंट्री कम से कम याद रखना ही रखना है अभी, क्योंकि विजिट पर थे हमारे प्रेजिडेंट। ये आप लोगों को ऊपर तंजानिया देखने को मिलेगा, लेक विक्टोरिया और ये सारी चीजें, नाइल रिवर, वो सब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, रिविजन करते रहिए साथ साथ में। अब है यहां पर आप लोगों का रिविजन का पोर्शन देख सकते हैं, पॉलिटिकल रिविजन है आप लोगों के सामने यहां पर, तो ये आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। और देखिए एक बार तो मॉर्निंग में नहा लेता हूं मैं, जैसे फैन बंद करके यहां पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं तो पूरा बॉडी तर हो जाती है पसीनों में, ठीक है। अच्छा है, चलो रनिंग करने से पहले एक बार और पसीना आ जाता है। चलिए जो भी है, इंजॉय किया कीजिए वीडियो को। देखिए आसानी नहीं होती, काफी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद भी आप लोग अच्छे से पढ़ाई ना करें और आप लोगों का रिजल्ट अच्छा ना आए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अच्छे से आप लोग रिवाइज किया कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पीपीटी बनाने में, सारी चीजें क्रिएट करने में, मॉर्निंग में अपलोड करने में, मतलब बहुत, मतलब आप लोगों को देखने, जब आप लोग कोई काम ऐसा करेंगे आप लोगों को पता चलेगा। और आप लोगों को बस करना क्या है, मॉर्निंग में उठ के बस वीडियो देखनी है, और अगर आप लोग वो भी काम नहीं कर पा रहे, सब कुछ प्लेट में आप लोगों को सजा सजाया मिल रहा है, उसके बाद भी आप लोग मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए फिर ये आप लोगों की गलती है, ठीक है। कम से कम इतना तो आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को ही जाकर बैठना है, वहां मैं नहीं बैठूंगा आप लोगों की जगह पर। सब स्टूडेंट यहां पर वीडियो देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट टॉप कर जाएंगे, कुछ स्टूडेंट पेपर भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो मैं तो सबको एक ही तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, तो आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर रिवीजन करते रहिए साथ साथ में। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने, जो इंडियन जुडिशरी है यहां पर, इसके बारे में कि पावर क्या क्या होती है, तो टोटल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था यहां पर। लेक्चर का लिंक आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा और यहां पर मिल जाएगा, ये सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप लोग इनको जाकर देख सकते हैं। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने। सर्दियों में वीडियो बनाने में ज्यादा बेटर रहता है, पसीना नहीं आता है आराम से। तो पहले हम लोगों ने देखा यहां पर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के बारे में, 17th ऑफ अप्रैल आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में।
तो टोटल डिटेल में आप लोग हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जाना, किसको मिला है, विनोद खन्ना जी, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा, वो हाँ थोड़ा सा ये रह गया, इसके बारे में आप लोगों को और बता देता हूँ, हल्का सा ये छुट गया, सॉरी। बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 5 डे की विजिट पर है यहाँ पर स्वीडन और यूके की, ठीक है ना। तो चोगम की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको बोला जाता है कॉमन, जो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी यूनाइटेड किंगडम में होने वाली। यहाँ पर ये हो गया आप लोगों के सामने यूके, तो यूके और स्वीडन, तो यूके की विजिट पर भी है और स्वीडन की आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। दो कंट्री में यहाँ पर विजिट करेंगे, 5 दिन की टोटल विजिट है और ये चोगम की मीटिंग को भी यहाँ पर अटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन दी, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर मिला है धर्मेंद्र जी को, और यहाँ पर देखा हम लोगों ने, ये दूसरे हैं यहाँ पर, ये है राजकुमार हिरानी जी, तो इनके अवार्ड के बारे में हम लोगों ने जाना, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में हम लोगों ने देखा यहाँ पर अपने जो गेम हुए अभी कॉमनवेल्थ गेम के, तो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया कितना कितना किसको अवार्ड मिला है, सबसे ज्यादा हरियाणा को मिला है वो देखा हम लोगों ने। नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, क्या क्या सोर्स है, डिटेल में जाना इसके बारे में। नेक्स्ट आप लोगों को वेदरिंग के बारे में हल्का सा जानने को मिला, क्या क्या कॉम्पोनेंट है नाइट्रोजन का वो जाना। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर ट्रांसजेंडर के बारे में जानने को मिला कि पैन कार्ड में रिकॉग्नाइज कराने की बात की जा रही है। 10th डिफेंस एक्सपो तमिलनाडु चेन्नई में आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर। इसके अलावा जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में जाना यहाँ पर, जो कि मॉरीशस में होने वाली है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जाना इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मोटोमोटिक ट्रेन के बारे में, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट जो अभी विजिट पर थे यहाँ पर, कौन सी कंट्री के, आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा देखा। ये आप लोग देख सकते हैं 3 कंट्री थी, एक तो है इक्वेटोरियल गुनिया, दूसरा है जाम्बिया और तीसरा यहाँ पर स्वाजीलैंड। ओके, तो ये कुछ आर्टिकल थे जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, और रिवीजन करते रहिए पीछे का, रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, तभी आप लोग प्रॉपर वे में चीजों कर पाएंगे। तो रिवीजन साथ में पॉलिटी का भी करते रहिए, कभी भूल जाएं आप लोग सारे पॉलिटी, इसको भी रिवाइज करके चलते रहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पता तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चीजों को शेयर कर दिया कीजिए फेसबुक वगैरह पे, ताकि सबको फायदा हो जाए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज और कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, एग्जाम में आप लोगों के फायदेमंद है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह यूज नहीं करना है, अगर टाइम मिले तो किसी को पढ़ा दिया कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलता हूँ शाम को 5 बजे क्वेश्चन की वीडियो के साथ में, तब तक एंजॉय कीजिए। जय हिंद।